पहले हम ब्लड में देखते हैं कि इस पर कौन से एंटीजन या एंटीबॉडी मौजूद है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि एक ही ब्लड में एक समान एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं रहती है। अर्थात अगर किसी सेल्स पर ए एंटीजन होगा तो उसमें ए एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, बी एंटीजन होगा तो बी एंटीबॉडी नहीं मौजूद होगी, और अगर ए बी दोनों एंटीजन है तो दोनों ही एंटीबॉडी उसमें नहीं पाई जाएगी। तो पहले अपन एक ब्लड लेते हैं और इस पे पता करेंगे कि इस पर इसकी सेल्स है उस पर कौन सा एंटीजन है। अगर उसकी सेल्स पर कोई भी एंटीजन होगा तो उसकी जो सेम एंटीबॉडी होती है वो उसमें मौजूद नहीं होगी। तो एंटीजन को पता करने के लिए अपन को चाहिए एंटीबॉडी। सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी क्रिया करके वो एग्लूटिनेशन शो करेगा, हेम एग्लूटिनेशन शो करेगा। तो ए एंटीजन को ए एंटीबॉडी और बी एंटीजन को बी एंटीबॉडी डिटेक्ट करेगी। इसी प्रकार ये एंटी डी है जो कि एंटीजन डी को पता करेगी। अगर ये सेल्स पर तीनों ही एंटीजन है तो ये जाहिर सी बात होगी कि इसकी जो सेल्स है, जो ग्रुप है उसकी, उसमें प्लाज्मा में वो सेम एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। तो पहले अपन देख लेते हैं कि इसकी सेल्स पर कौन से एंटीजन मौजूद है। तो उससे अपन पता कर सकते हैं कि इसकी सेल्स पर जो प्लाज्मा है उसमें कौन सी एंटीबॉडी है और कौन सी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पहली स्लाइड है जिस पे अपने मार्क कर रखा है ए और बी, तो इसमें एग्लूटिनेशन शो कर रहा है जिससे ये क्लम्पिंग दिखा रही है। तो इसकी सेल्स पर ए और बी एंटीजन है, अर्थात इसकी प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी मौजूद नहीं है। उसी प्रकार ये देख रहे हैं डी एंटीजन मौजूद है सेल्स पर, अर्थात इसकी जो प्लाज्मा है उस पर एंटी डी भी नहीं है। तो ये एंटीबॉडी फ्री हो गया, पूरा जो ब्लड है एंटीबॉडी फ्री। अब हम एक एक करके चारों प्रकार के ब्लड को ए बी को देंगे। हम जानते हैं कि ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर है, तो ये कैसे यूनिवर्सल रिसेप्टर है और क्यों यूनिवर्सल रिसेप्टर है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव, अर्थात इसकी जो ब्लड की सेल्स है रेड सेल्स, उस पर ए एंटीजन देख रहे हैं, बी एंटीजन देख रहे हैं और डी एंटीजन देख रहे हैं, और प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। तो अब हम ये ए ब्लड ग्रुप है इसको ए बी को देंगे। तो ये हमने ए की पैक्ड सेल ए बी को दी है, तो ये अपने एक ग्रुप की सेल्स पर ए एंटीजन है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी ए बी में नहीं है देख रहे हैं आप। तो ये कोई भी क्रिया नहीं कर पाएगा एंटीबॉडी के साथ, क्योंकि एंटीबॉडी इसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं है। दूसरी बात कि ये जो एंटीजन है ए सेल्स के, वो सेम एंटीजन तो ए बी के पास मौजूद है, तो ये एक तरह से कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं हुआ जो इनकी जो ब्लड है उसके साथ क्रिया कर सके, और ये आराम से घूमता रहेगा, कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। अब अपन देते हैं बी ब्लड ग्रुप को, बी की पैक्ड सेल को अपन देते हैं ए बी ग्रुप को। तो ये सेम थिंग हो गई कि बी की करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी ए बी के पास मौजूद नहीं है, ए बी की प्लाज्मा में नहीं है, तो ये एंटीबॉडी के साथ क्रिया नहीं कर पाएगा क्योंकि एंटीबॉडी है ही नहीं। और दूसरी बात, ये बी एंटीजन ए बी ग्रुप में है तो ये भी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, कोई भी फीवर वगैरह नहीं आएगा। इसी तरह ओ एंटीजन देख रहे हैं अपन, ओ सेल्स दी ए बी को, तो ओ की सेल्स पर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, और उसके एंटीजन मौजूद नहीं है तो कोई भी एंटीबॉडी मौजूद है नहीं ए बी में, तो ये भी क्रिया नहीं कर पाएगा। इसी तरह ए बी एंटीजन है ए बी ग्रुप में, तो ये सेम ग्रुप है और सेम एंटीबॉडी एक साथ नहीं रहती है, तो ये तो ए बी को तो दे ही सकता है। तो इस प्रकार देखा है कि आपने चारों ब्लड दिए लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, इस कारण इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गए होगा कि क्यों ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर है। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।